नमस्ते जी, मैं किशोर चौधरी, एक्यूप्रेशर का मामला। आज दोस्तों मेटल, तांबे वाले और पीतल वाले कुछ बहुत ही एंशियंट वस्तुओं के साथ आपके लिए सामने हूँ। नेचुरोपैथी के कुछ यंत्र हैं और आप मेरे हाथ में ये देख रहे हैं। इन सब धातुओं का और इन यंत्रों का हमारी बॉडी के ऊपर कैसे बेनिफिट है, हम डे टू डे लाइफ में इसका कैसे बेनिफिशियल ले सकते हैं और ये नेचुरोपैथी के आज हर सेंटर के अंदर कैसे उपयोगी हो रहा है सबके लिए, तो ये सब बताने वाले हैं आर्या जी। तो मैं इनको पूछूंगा और आप पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत नॉलेज मिलने वाला है। ये अभी एक एक है सिरोद्वारा के यंत्र। बहू जी अभी इसके बारे में बताइए, इसकी क्या साइज है और कितना लीटर का है, और थोड़ा बता दीजिए सिरोद्वारा जो नेचुरोपैथी में उपयोग किया जा रहा है ना, उसका क्या बेनिफिट हो रहा है। जैसे कि इसके नीचे ये है, यहाँ से ऑयल सिर के ऊपर टपकता है, उसका क्या बेनिफिट होता है। देखिए ये जो सिरोधारा पात्र है जी, इसको सिरोधारा पात्र भी कहते हैं, सिरोधारा अंग्रेजी में सिरोधारा पॉट भी कहते हैं जी। ये मुख्य रूप से तीन धातुओं का बनता है जी, एक तांबा, दूसरा ब्रॉन्ज और तीसरा ब्रास। ओके, तांबा, पीतल और ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज और कांसे जैसे बोलते हैं जी। तो कांसे क्योंकि महंगा होता है जी, इसलिए लोग मुख्यतः कॉपर का और ब्रास का ही जी। अब ये जो सिरोधारा पात्र है इसके पीछे क्या तकनीक है जी, ये आयुर्वेद के अनुसार एक पद्धति है जो कि हमारे शरीर का शरीर को रोगों से मुक्त करती है जी, और बहुत लाभकारी है जी। और ये जो पद्धति है इसकी विशेषता आज के समय में इसलिए ज्यादा हो गई है कि अब हमारे जीवन में, सभी लोगों के जीवन में इतनी ज्यादा हम हो गए हैं जी, बहुत ही मैकेनिकल हमारी लाइफ हो गई है जी, मशीनों की तरह से हम काम करते हैं जी, भावनाएं अब रही नहीं पहले वाली जी, सब लोग सुबह से लेकर शाम तक अपने तनाव में जीते हैं, बहुमुखी हो गए, बाहर ज्यादा देखते हैं। उस तनाव के कारण जी, तनाव के कारण फिर शरीर के अंदर रोगों का आगमन हो जाता है जी। जो व्यक्ति जितना तनाव में रहता है उतना ही उसके रोगी होने की आशंका ज्यादा होती है जी। अब इस तनाव को मुक्त करने के लिए जी वैद्यों ने इस पद्धति को हमारे सामने प्रस्तुत किया जी, इस पद्धति से इस पद्धति से हम इस रोग से मुक्त हो सकते हैं और अपने जीवन को, अपने शरीर को निरोगी बना सकते हैं जी। तो ये क्या क्या साइज में है, ये अभी आपके हाथ में इसकी क्या साइज है। ये है 10 इंच का, और ये है जी आपका 12 इंच का। ओके, और ये है जी आपका 9 इंच का। ओके, ये भी 10 इंच का है। अच्छा, तो एक तो ये आकार हो गया हाँ जी, कटोरे के जैसा हाँ, एक ये कलश के जैसा आकार है, इस तरह से इसके ऊपर आपने डिजाइन बना रखी है, ये हैमर्ड है, थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए बराबर है, और ये बहुत ज्यादा वो आपने करते हैं इस, ये चैन, ये चैन में बना रखा है आपने हाँ हाँ, और हाँ ये ऐसे हैंगिंग करके बराबर है, ये ब्रास की चेन है जी जी, और बहुत अच्छी क्वालिटी है, और नीचे सबसे और ये एक और विशेष बात ये है, ये यहाँ पर हम वेल्डिंग नहीं करते हैं, यहाँ पर हमने ऐसा इंतजाम, ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है, व्यवस्था कर रखी है कि बिगर वेल्डिंग के ये टाइट हो जाता है, अगर हम चाहें तो इसे खोल कर साफ करके दोबारा से लगा सकते हैं, बहुत ये ऐसी व्यवस्था जी जी। और ये विदेशों के अंदर इसकी मांग बहुत बढ़ रही है, बहुत लोग इसे इसका जो है प्रयोग कर रहे हैं और लाभान्वित भी, और ये उसी का थोड़ा सिंपल सादे में है, सादा है, एक ये बिगर हैंडलिंग के प्लेन है बराबर, और एक ये वाला जो है, ये वाला जो है ये इसकी इसका जो है शेप अलग है, इसमें चेन नहीं है, इसके अंदर सरिया है जी, और ये इसके अंदर वॉल है जो ओपन के फ्लो को ठीक है नियंत्रित करता है, कम ज्यादा कर सकते हैं बराबर है। अब ये जो है, ये जो शिरोधारा जो हम आपको पात्र जो दिखा रहे हैं जी, अब इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताना चाहेंगे जी, बताइए ये शिरोधारा कैसे काम करता है जी। ये शिरोधारा हमारे शरीर में ऐसे कुछ मर्म स्थान होते हैं जी, जो बड़े ही सेंसिटिव होते हैं और वो हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर सीधा सीधा असर डालते हैं जी। तो ये जो शिरोधारा है इसकी जो टेक्निक है, इसका जो प्रोसेस प्रक्रिया क्या है कि जब हम इसको हम रोगी के सिर के ऊपर, फेस के ऊपर रखते हैं और इसमें जो धार निकलती है तेल जी, वो उसके इस पोर्शन पर, इस पोर्शन पर गिरती है, ये आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र कहते हैं, इसके बारे में ज्यादा नहीं बता पाऊंगा जी, लेकिन यहाँ पर जो वो तेल की धार गिरती है जी, तो उसकी तेल की धार गिरने से जो हमें फीलिंग होती है जी, जो सेंसेशन हमें महसूस होती है जी, वो हमें एकदम तनाव मुक्त कर देती है, बहुत अच्छा,
और तनाव मुक्ति के बाद समझो जैसे शरीर का रूपांतरण होना आरंभ हो जाता है। जी जी जी। और इस प्रक्रिया को करने के लिए लोग बड़े बड़े स्पा में जाते हैं, रिसोर्ट्स में जाते हैं, साउथ में, केरला में विशेष कर एक एक हफ्ते के 15-20 हजार रूपए पे करते हैं। उसी प्रक्रिया को हम लोग अपने ही घर में इसको लगाकर अपने घर में कर सकते हैं। ये पंचकर्म का एक पार्ट है। हाँ, प्रतिदिन कर सकते हैं जी, और चाहे हमारी सुविधा के अनुसार हम इसे कर सकते। बराबर, ना तो ज्यादा खर्चा होगा बराबर, और ना ही समय की बर्बादी। सही, धन्यवाद जी।